नमस्कार, मैं आपके समक्ष रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी का तृतीय सर्ग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह कविता महाभारत में कर्ण की जीवनी से संबंधित है और इस तृतीय सर्ग में महाभारत में कथा इस मोड़ तक पहुँच चुकी है कि पांडव अपना वनवास पूरा करके वापस आ चुके हैं और वह श्री कृष्ण को हस्तिनापुर भेजते हैं दुर्योधन के पास अपना प्रस्ताव लेकर, संधि का प्रस्ताव लेकर। तो पेश है तृतीय सर्ग रश्मि रथी का। हो गया पूर्ण अज्ञातवास पांडव लौटे वन से सहास, पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक, नहीं धीरज खोते विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरित नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को पर खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खमठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधर आतप पखंड पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुघर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लक्षाग्रह में चलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर, मेरे ताजा जीवन का रस छन जाने दे, अरे जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है कर क्या शक्ति चिंगारी है, कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खावेंगे परिजन पर असीना उठावेंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, अरे जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, हरि ने
हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा अपसाद मुझे, हा हा दुर्योधन, हा हा दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व झूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विचाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिपते जो हैं नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, दृगहो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इने, हा हा दुर्योधन बांध इने, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, अरे मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिवहा से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, अरे अरे बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, अरे याचना नहीं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहिनी प्रखर, फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वाह्यष्ट काल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय।